नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफ्यूजी पर, यानी कि शरणार्थी जिन्हें कहा जाता है अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो उसमें देखेंगे हम मेन मेन प्रोविजन इसमें क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ द रेफ्यूजी, ये डेफिनेशन जो थी दोस्तों वो 1967 का जो प्रोटोकॉल था, एक कन्वेंशन का जो कि हुई थी 1951 यानी कि 1951 में हुई थी दोस्तों। इसका जो प्रोटोकॉल था वो 1967 में था, उसमें ये दी गई थी, पहले भी दी गई थी पर यहाँ पर इसको और वाइड करके दिया गया। इस डेफिनेशन में कहा गया दोस्तों कि वो आदमी जो कि अपने देश से बाहर है, दूसरे देश में आता है और उसके बाहर होने का कारण ये है कि उसे अपने देश में ये खतरा है कि उसे जान से मार दिया जाएगा, उसके साथ ये जो व्यवहार है यानी जान से मार देने का जो व्यवहार है वो इसलिए किया जाएगा क्योंकि वो अलग रेस का है, अलग रिलीजन का है, या उसकी नेशनैलिटी अलग है, या फिर उसका किसी भी सोशल ग्रुप के साथ कोई तालमेल है, या उसका वो मेंबर है, या उसकी अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तो उसको दबाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए वो उसको मार सकते हैं। एक आदमी हो सकता है, ग्रुप ऑफ द पीपल्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो ये है दोस्तों डेफिनेशन ऑफ द रेफ्यूजी अंडर इंटरनेशनल लॉ, कि जो प्रोटोकॉल जो है 1967 का, जो कि कन्वेंशन का है 1951 में जो हुई थी, जो कि इंटरनेशनल लॉ में जो रेफ्यूजी है उनका स्टेटस क्या है उसको बताने के लिए हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजी पर। जैसे कि मैंने कहा कि 1951 में जो कन्वेंशन थी रेफ्यूजी पर हुई दोस्तों, इसका प्रोटोकॉल 1967 में आया। 1951 में जो कन्वेंशन हुई थी दोस्तों उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1954 में, और जो प्रोटोकॉल था दोस्तों वो 1967 में आया और 1967 में ही उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसके साथ ही दोस्तों जो कन्वेंशन है जो 1951 में हुई थी उसकी जो आज सिग्नेटरी है या उसके जो साइन किया गया है वो 147 मेंबर है और इंडिया जो है उसकी पार्टी नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों जो हमारा प्रोटोकॉल है इसकी जो है वो 138 की पार्टीज जो है इसको साइन किया जा चुका है। तो ये जो कन्वेंशन थी दोस्तों, ये इसके दो बेसिस थे। पहला जो बेस था इसका दोस्तों कि नेशनल और रिफ्यूजी के बीच में किसी तरह का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाएगा, जो उनके साथ भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये उस स्टेट के लिए था जहाँ पर कि रिफ्यूजी जो है उन्होंने शरण ली हो। दूसरा ये था कि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन रेस, रिलीजन या उनकी नेशनैलिटी को लेकर नहीं किया जाएगा। तो ये दो प्रिंसिपल थे। उसके साथ दोस्तों इसके कुछ और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। जो आर्टिकल 31 था इस कन्वेंशन का दोस्तों, उसमें ये प्रोवाइड किया गया था कि अगर कोई रिफ्यूजी जो है इलीगली एंट्री करते हैं किसी देश में शरण के लिए, तो उनकी जो एंट्री है उसको गलत नहीं माना जाएगा, बशर्त है कि वो जो वहाँ की अथॉरिटी है, जो भी उस देश का जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो लोकल अथॉरिटी है, उनको बता दें कि भाई हम आए हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको बता दें और गुड फेथ में सब इन्फॉर्मेशन जो हमको दे दें कि हम क्यों आए हैं। साथ ही में ये भी कहा गया है दोस्तों इस आर्टिकल में कि जो शेल्टरिंग स्टेट यानी कि जो कंट्री को शरण दे रही है वो उनकी जो मूवमेंट है, जो रिफ्यूजीज की वो मूवमेंट है, उनको रिस्ट्रिक्ट ना करे जहाँ तक संभव हो सके। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 2 ऑफ दिस कन्वेंशन, यानी कि आर्टिकल 2 जो है इस कन्वेंशन का, उसमें कहा गया है कि रिफ्यूजी जो हैं उनका भी ये ड्यूटी बनती है कि वो जब भी किसी देश में शरण लेते हैं तो उस देश का जो रूल, रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको माने और ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जो कि उनके रिफ्यूजी या शरणार्थी का जो स्टेटस है उसके अगेंस्ट हो। नेक्स्ट है दोस्तों यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, जिसे UNHCR भी कहा जाता है शॉर्टली। ये दोस्तों इस्टेब्लिश किया गया था 1950 यानी 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसको इस्टेब्लिश करने के पहला कारण ये था कि जो रिफ्यूजी थे उनको लीगल स्टेटस दिया जाए। सेकंड, जब भी रिफ्यूजी किसी एरिया में संकटग्रस्त होते हैं तो उनको एक मटेरियल असिस्टेंट या उनकी मदद की जा सके। नेक्स्ट है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट, ये है दोस्तों फ्रेंच भाषा का शब्द है नॉन रिफॉर्मेंट, इसका दोस्तों इंग्लिश में ट्रांसलेट है नो फोर्सिंग बैक, यानी कि किसी को भी वापस नहीं धकेला जाएगा। ये रिफ्यूजी के कंटेक्स्ट में है कि रिफ्यूजी जब आते हैं किसी देश में तो उनको अगर वो जैसे दूसरा देश जो है शरण देने वाला वो उनको स्वीकार कर लेता है और स्वीकार करने के बाद वहाँ लीगली रहने लग पड़ते हैं तो उस केस में उनको ज़बरदस्ती वापस ना धकेला जाए उस कंट्री में जहाँ पर उनको खतरा है उनको मार दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट, याद रखिएगा दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ द नॉन रिफॉर्मेंट जो है वो मिलता है आपको आर्टिकल 33 ऑफ द कन्वेंशन जो हुई है रिफ्यूजी के स्टेटस पे। उसके बाद है दोस्तों चकमास और दलाई लामा का केस। चकमास जो थे दोस्तों वो बुद्धिस्ट लोग थे, ये बांग्लादेश में रहते थे, बांग्लादेश जो कि 1971 में बना उसके पहले वो पाकिस्तान था। तो ये जो बुद्धिस्ट लोग थे दोस्तों ये मुस्लिम लोग से डरे हुए थे, इन्हें डर था कि उन्हें उनके मास किलिंग की जाएगी, इसलिए वो इंडिया में आ गए। इंडिया में फिर 1997 में एक ट्रिटी हुई इंडिया और बांग्लादेश के बीच और इनको वापस भेज दिया गया। दूसरा केस है दोस्तों दलाई लामा का। दलाई लामा जो आप जानते हैं तिब्बतन जो बौद्ध धर्मगुरु हैं उनका केस है, वो भी आज से 50-60 साल पहले जो है वो चाइना छोड़ के इंडिया
आगे थे, क्योंकि वहाँ भी उनकी किलिंग की जा रही थी और उनको खतरा था कि उनको भी मार दिया जाएगा, इसलिए वो आगे उन्होंने शरण ली और आज तक वो इंडिया में हैं। तो यह है दोस्तों सब कुछ रेफ्यूजी टॉपिक से लेकर जो कि आपको UGC NET एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या किसी और एग्ज़ाम में मेनली पूछा जा सकता है।